तख्त श्री दमदमा साहब दे विच एकत्र होई समुची साध संगत जी फतेह दी सांझ पाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं देख रहा सी जदों रस्ते दे विचों आए हां तुसीं सारे वख वख रस्तिआं तों लंघ के आए हो कि किस तरीके दे नाल पहरा बिठाया होया किवें तलाशियां लईआं जांदीआं ने किवें इत्थे आई संगत नूं जलील कीता गया खड्डल कीता गया। असीं गल अपने हक्कां दी करदे हां कि सानू साडे हक मिलने चाहीदे आ सानू इंसाफ मिलना चाहीदा। हक्कां दी गल इंसाफ दी गल तां बहुत दूर है। आपां देखोगे साडे जिहड़े जन्म दिहाड़े ने साडे शहीदी दिहाड़े ने इह हकूमतां उहनां नूं रोकण दे उत्ते किन्ना जोर ला रहीआं ने। एक डर पैदा कीता गया जिस डर दे करके मैं देखदा कि अज विसाखी दे उत्ते दमदमा साहब दे विच जिड्डा वड्डा इकट्ठ पहला हुंदा सी जिन्नी वड्डी गिणती दे विच संगत पहला पहुंचदी सी उन्नी संगत इह डर दहशत दे करके पहुंच नहीं सकी। पर फिर भी जिन्ने आए हो इह जागदियां जमीरां दी निशानी है इह माजी दे योधिआं दी निशानी है कि तुसीं अपने अज खास दे जन्म दिहाड़े दे उत्ते इस धरती दे उत्ते आ के नतमस्तक होए आ। अगली गल मैं करनी चाहुंदा कि जो पिछले दिनां दे विच वापरिया जो पूरे पंजाब दे अंदर अज भी चल रहा है किवें नौजवानां दीआं गिरफ्तारियां किवें डर दा माहौल किवें झूठे मुकदमे किन्ने पत्रकार अंदर किन्ने चैनल बंद जाने हर आवाज दबण दी कोशिश कीती गई। अज दी ताजी घटना है अज महाराजपुर विच सवेरे सवेरे बठिंडा पुलिस ने कई घरां दे छापे मारे आ। आम नौजवान कोई टीचर लग्या होया कोई होर खेतीबाड़ी दा काम करदा है उन्हां दे घरे छापे मारे गए। कहा गया कि तुसीं अमृतपाल दी टीम दे साथी हो किसे ने कोई टिप्पणी करती कोई पोस्ट साझी करती कोई वीडियो साझी करती उन्हां नूं अज भी फड़िया जा रहा। पर दुख की गल यह है कि अकाल तख्त साहिब दे जथेदार उन्हां दे बयान की आ रहे हैं वो कह रहे हैं भाई गिरफ्तारी दे रहे हो अकाल तख्त साहिब ते जदों जदों भी कोई आया है जदों कोई मजलूम ने आके शक करी है तां अकाल तख्त साहिब मजलूम दी रखिया ते जान दी पखिया। हमेशा ही अकाल तख्त साहिब ने ओट आसरा दिता सिर ते हथ रखे अपने कलावे दलिया दे सामने है छेवें पातशाह तो लैके जे आप इतिहास देखते हैं मराठे भी आए कई हिंदू भी आए कई मुसलमान भी आए हर मजलूम की उतो रखा होंगी आ रही है। पर अज देखो जो साडे नौजवानों फर फर के डिब्रूगढ़ भेजा जाता आसाम भेजा जा रहा एनएसए लग रही है झूठे मुकदमे पाए जा रहे हैं और उत्थे अकाल तख्त साहिब जिहड़ा दा बयान आना कि भाई गिरफ्तारियां दे दिओ कोई गल नहीं जिहड़ियां हकूमतां दे मूंह नूं खून लग्या लंबे समें तों साडी कौम दे खून दीआं प्यासियां ने की साडी नौजवानी नूं उहनां दे मूंहां देखणा चाहीदा उहनां दे हवाले कर देणा चाहीदा। सो भरावो गल्लां जो सोचण दा वेला समझण दी लोड़ है। असीं अज वी दूजे लीड़े पाई जाने हैं एक दूजे दा विरोध करी जाने हैं उह साडी जवानी नूं याद रखो आउण वाला समां होर वी भयानक होणा है सानूं कोह कोह के मारना है झूठे मुकदमे
ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। जवाक स्कूलों पढ़ते हैं जिन्हें सीबीएसई बोर्ड के स्कूल है, आईसीएसई बोर्ड के स्कूल है, उन्होंने किताब पढ़ाई जाती है, हर एक के घरे पड़ी होनी है। पोलिटिकल साइंस की किताब है बारहवीं की, प्लस टू की किताब है, इस लिखा की गया ये जाके आज का घरे पड़ी होनी है किताब, या धी पुत पढ़ता होना है, पूछ लो जाके भी यहाँ चैप्टर सात के चैप्टर आठ के लिखा हुआ है। यह पिछले साल तो पढ़ाई जा रही है, की लिखते हैं किताब के आनंदपुर साहब का मता जरा एक बखवादी मता है। इस आनंदपुर साहब के मते की गल कर रहे लोग बखवादी है, यह देश को तोड़ना चाहते हैं। अगे लिख रहे हैं कि आनंदपुर साहब का मता मुठ्ठी भर, मुठ्ठी भर जो इतने रैडिकल ने कट्टरवादी ने, यह उन्होंने सोच का नतीजा से। आम सिखा ने या आम पंजाबियों ने तो यह मता कबूल ही नहीं किया। हम मैं तुम्हें पूछना चाहता, सारे बैठे हैं, पहली गल तो आनंदपुर साहब का मता ही आप भुल चुके हैं, वो जो साढ़े हकों की गल, राजा के बद अधिकारा की गल। मैं तुम्हें पूछना चाहना है कि अपनी बोली की गल करना बखवादी है, कि अपनी डैमों के प्रबंध लेने, अपने पानियों के हक लेने, पंजाबी बोलते इलाकों की गल करनी, अमृतसर शहर में पुत्र शहर का दर्जा देना, यह सारिया आनंदपुर साहब दिया मते दिया गल्लां सीगियां। हुण असीं अपने पानियां दी वी गल करके, बोली दी गल करके, राजधानी मंगीए, राजां दे बदले घरां दी गल करके, असीं रैडिकल हो गए, असीं बखवादी हो गए, असीं अतवादी हो गए। तुसीं दस्सो कि इह मता बखवादी है, माकड़ियां गल दस्सो। पर इह इतिहास तुहाडे जवाकां नूं पढ़ाया जा रहा है, ते हुण इह वी दस्स दिओ किताबा। हुण मैं गल जवाब दिओ, जे बाबर का जिक्र नहीं होया तो बाबर नूं जावर कहण वाले गुरु नानक देव का जिक्र कैसे होगा? जे जहांगीर का जिक्र नहीं होया तो पांचवें पातशाह छेवें पातशाह का जिक्र कैसे होगा? जे औरंगजेब का जिक्र नहीं होया तो हुण दसो साहिबजादिआं नूं गोबिंद सिंह का जिक्र कैसे होगा? जंगा का जिक्र कैसे होगा? जे मीर मनु का जिक्र नहीं होना, सुखा सिंह महताब सिंह का जिक्र किवें होगा? बाबा बोता सिंह, बाबा गर्जा सिंह का जिक्र किवें होगा? यह इतिहास मुगलों के इतिहास को खत्म करने के बहाने, यह आने वाले समय में जो साड़िया आने वाली पीढ़ियां पढ़न गियां कि इत्थे भी मुगल आए ही नहीं। असीं तां अज पूरे हिक ठोक के कहने हैं ना कि साडा इतिहास चमकौर की कच्ची गली बोलती है, जिहड़े कला कला सवा सवा लख निकल गया सी। असीं आनंदपुर साहब दे वासी हैं जिथे खालसे का जन्म होया, ते जो सारा इतिहास दे विचों खतम कर देंगे तो साढ़े पल्ले की बचना है। पर सानू कोई परवाह नहीं, असीं इन्हां गल्लां वल कदे ध्यान ही नहीं मारिया। और कई नौजवान इत्थे फोटो कराई जांदे आ, आ दो मेरे कोल आए खड़ के, मैनूं कहिंदे भाई फोटो करवाउणी है, अमान साहब भी बैठे हैं,
फोटो करा के गए मगा भी किवें करवानी है कहिंदे बाहर जाना तां करा रहे हैं साडा बहुत वड्डा तखांत आ भरावो असी खाली हो रहे हैं असी उजड़ रहे हैं पंजाब विचों वेले हो जांदा पंजाब पिंडां दे पिंड वेले हो गए हर घर नूं अंडा वर चलिया कला कला साडे नौजवान है मुंडा जां कुड़ी बाहर नूं भज्जी जांदा है ते असी इत्थे घट गिणती हो जाणा मेरी गल याद रखियो दस साल बाद याद रखो की बनना पंजाब दे विच अपने नाल आपां घट गिणती जो वाले जिहड़े प्रवासी इत्थे कब्जा कर रहे आ गए बाद में यूपी बिहार दे वध गिणती हो जाणी ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਮਾਰਨ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਸੋ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਭੱਜੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਹਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ कमाई करके अपनी मां धरती ते आओ सहमत हो तां जकारा लाओ उस गल दा जिन्हां भी पंजाब देशी धिर ने जिहड़ियां पंजाब दा दर रखदियां ने पंजाब नूं प्यार करन वाले लोग ने उहनां नूं कहना चाहुंदा कि अज्ज सानूं अमृतपाल दा सहारा बनना चाहीदा मैं कहना साडे लख विचार बखरे ने होणगे सिद्धांतक बखरे ने होणगे पर अज फर्ज बनता अज कारदार साहब दा फर्ज बनता जहदार साहब दा फर्ज बनता बाकी तरह दा फर्ज बनता कि असीं जिन्ने साडे नौजवान आसाम दा जिहड़ा भेजे है उहनां नूं वापस लिआउण दा यतन करके उहदे विच आ समुच्चा पंजाब सड़कां ते आवे ते सानूं जिहड़ा धक्केशाही कर रहे ने जो साडी करदार कुशी पिछले 18-20 दिनां दी होई जो मथे उत्ते दाग मढ़िया गया पूरी दुनिया के पूरे भारत के सिखां नूं किवें बदनाम किवें अतवादी बना के पेश किया गया इहदा वी मूंह तोड़ जवाब देना पैणा है इह गोदी मीडिया दा हैगा ही है पंजाब दा कोई चक मीडिया गोदी मीडिया नूं नाल लिया होया इहदा वी मूंह तोड़ जवाब देना पैणा है समुची सिख संगत इह डर दे विचों भय दे विचों निकल के बाहर आओ नहीं याद रखो कल्ले कल्ले नूं इहनां दे सारिआं नाल रिश्ता बना रखीआ है किसी ने कोई कमेंट किया किसी ने अपना कोई कहा के शेयर किया किसी ने कोई लाइक किया उन्होंने भी लिस्टा ने यह सारे लिस्टा भरावो कले कले जो गाली शांत होगी कले कला निशाने पर है ये भलेखे जो भी घरे बैठे से घर के कुंडे मार के दरवाजे भेज के बच आ गए सो इस करके अब इकट्ठे होकर लग गए जो अभी अपन माण पालिया नस्लों पुस्तों बचा चाहते हैं तो नहीं यह ਐਡਾ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਜੁੜ ਗਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਾਗਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ